नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है शुक्रवार, साल का पहला और बड़ा शुक्रवार है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप आज के दिन भी कर सकते हैं और ये उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन भी लाभ पंचमी है, तो आप उस दिन भी इसको कर सकते हैं, 29 तारीख शनिवार, और आप चाहें तो इसको शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। और नॉट नेसेसरी कि आप इसी शुक्रवार को करें, आप और भी कोई शुक्रवार आता है, जैसे किसी कारणवश आप आज ना कर सकें, तो फिर आप किसी भी शुक्रवार को ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से हमेशा घर में धन की वृद्धि होती रहती है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसे इसको गुप्त रूप से करना है। जो भी महिला करे, जो भी किचन संभाल रहा है, कई घरों में महिलाएं नहीं है, सिर्फ पुरुष ही है जो किचन संभाल रहे हैं, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति किचन में है, वो व्यक्ति इस काम को, इस उपाय को कर सकता है। इसमें धन की वृद्धि होने के साथ साथ तमाम प्रकार के जो अनिष्ट है घर में, वो भी दूर होते हैं। घर से जो नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर होती है और तमाम प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। हर मनोरथ को ये काम, ये जो उपाय है, ये पूरा कर देता है। करना क्या है? आपको प्याज लेनी है और प्याज के दो टुकड़े करने हैं। प्याज शुक्र प्रधान होती है। प्याज का आप कोई भी उपाय करते हैं, तो उससे आपके शुक्र मजबूत बनते हैं। शुक्र मजबूत बनते हैं, मतलब घर में धन और ऐश्वर्य की जबरदस्त रूप से वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। जिन घरों में वैसे भी दोस्तों प्याज लाई जाए, और वो भी स्पेशल प्याज लाई जाती है, और वो भी स्पेशली शुक्रवार के दिन, अगर आप घर में प्याज लाते हैं, ला करके उसको घर के अग्नि कोने में रखते हैं, हमेशा घर में धन की वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना है? प्याज के दो टुकड़े करने हैं और थोड़ा सा आपको कामिया सिंदूर ले लेना है। कामिया सिंदूर दोस्तों आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करता है, तमाम प्रकार की इच्छाओं की। कामिया सिंदूर से आप जो भी इच्छा भी लिखते हैं, लिख करके अपने जेब में रखते हैं, वो इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी होती है। थोड़ा सा कामिया सिंदूर आप पूजा पाठ की दुकान से ले लें। फिर आपको क्या करना है? किचन में ऐसी जगह देखना है जहाँ थोड़ी सी गंदगी हो। आप देखेंगे, वैसे आजकल गंदगी तो संभव है नहीं, लेकिन फिर भी आप देखें किचन में कौन सी ऐसी जगह है जो जल्दी साफ नहीं होती हो, जो बाकी के जो पार्ट से उतनी साफ वो जगह ना रहती हो। किचन के अंदर जहाँ फर्नीचर है, वहां पर आप देखें कोई भी ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ थोड़ी सी हल्की सी भी आपको गंदगी दिखाई दे, वहां आपको ये प्याज और कामिया सिंदूर दोनों ही रख देना है। एक प्लेट ले लें, प्लेट में थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और प्याज का टुकड़ा उसमें रख दें, आधी प्याज। और ये क्रिया आपको बिल्कुल गुप्त रूप से करनी है, घर के किसी और मेंबर्स को भी पता ना चले कि आपने ये क्रिया की है। ये दोनों चीज को मिक्स करके आप ऐसी जगह पर रख देंगे, तो ये दोनों वो चीजें हैं जो हमेशा आपकी इच्छा की पूर्ति करती रहेगी, होती रहेगी, और जो धन है आपके घर का वो बढ़ता रहेगा। जहाँ थोड़ी सी भी गंदगी होती है, वहाँ नेगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता है, तो ये चीज तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को दूर भगाती है। और प्याज वैसे तो शुक्र को तो मजबूत बनाती ही है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो कहीं पर भी, घर में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, प्याज हमेशा वहाँ पर काट करके रखते हैं। प्याज तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेती है। और प्याज दोस्तों कभी भी यदि आपने कटिंग करके रख दिया है, घंटे दो घंटे तीन घंटे प्याज रखी रही है, उसको कभी भी खाना नहीं चाहिए। प्याज जब भी खाना हो उसको तात्कालिक काटें और खाएं, जो कच्ची प्याज खाते हैं, क्योंकि प्याज तुरंत ही नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर खींच लेती है, तमाम प्रकार के विषैले कीटाणु को भी अपने अंदर खींच लेती है। तो ये दोनों चीज आपको किचन में ऐसी जगह रखनी है जहाँ थोड़ी सी गंदगी हो।
काम्या सिंदूर को हमेशा वही रख करके रखना है, लेकिन प्याज को 7 दिन में 8 दिन में एक बार आपको चेंज करते रहना है। आप देखेंगे घर में दिन दुगना रात चौगुना प्रोग्रेस होगा। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।